एवरीवन, सो आज जो है हम लोग डिज़र्ट बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरे पीछे आवाज़ें आ रही हैं गानों की, बाजों की, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो क्योंकि इस वजह से आवाज़ आ रही है क्योंकि ना आज 14 अगस्त था, इतना शोर, गली में इतना शोर है, हर कोई अपने अपने घरों में जो है गाने लगा रहा है, कोई बाजे बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अभी हम लोग जो है इन चीज़ों को और इन आवाज़ों को इग्नोर करेंगे और मेरी आवाज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ना डिज़र्ट बनाना था। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से ना कस्टर्ड और ना केक पड़ा हुआ था हमारे घर में, तो मैं ना उसको देखती थी और फिर सोच रही थी कि इसका कुछ करूँगी। तो आज फाइनली मैंने जो है ना डिसाइड किया था कि मैंने डिज़र्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, और आप लोगों को ना वीडियो देख के लग रहा होगा कि वाह कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी तरह से सब कुछ सेलिब्रेट करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब शाम मैं और शायद तीनों किचन में फंस गए थे। शायद जो है ज़ीरा बिस्किट बना रही थी, मैं जो हूँ कस्टर्ड बना रही थी और डिज़र्ट बना रही थी, और इतना खिलारा था, और पता नहीं हम लोग एक दूसरे से बदतमीजी करी जा रहे थे, इंसल्ट करी जा रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन खैर क्या कर सकते, चूल्हा जो मैंने वो जो बेसिक होता वो नहीं लिया क्योंकि ही ना गैस नहीं आ रही थी हमेशा की तरह। तो यहाँ पे जो है मैंने दूध बॉयल करके अंदर जो है पेस्ट बनाई थी कस्टर्ड की, जिस तरह से कस्टर्ड बनाते हैं उसी तरह। और ना मैंने यहाँ पे जब जैसे कस्टर्ड बना ना, तो मुझे इसके बाद याद आया कि मेरे साथ जो है ना प्रैंक हो चुका है। सो बेसिकली हुआ ये था कि मैंने ना चीनी ही नहीं ऐड की थी। क्या बात है, वाह थैंक यू। तो मैंने जो है ना चीनी नहीं ऐड की हुई थी, और मुझे इतना बाद में शुक्र है कि मुझे याद आ गया, क्योंकि ना मैं किचन सेट कर रही थी और साथ ही में चीनी का डब्बा नज़र आया, फिर मैंने कहा है मैंने तो ये यूज़ ही नहीं की। जाहिर सी बात है कस्टर्ड के अंदर जो है चीनी जाती ही जाती है, तो मैंने ना चीनी ही नहीं ऐड की थी। देन मैंने ना फाइनली, क्योंकि कस्टर्ड गर्म गर्म ही था, तो मैंने तब जो है 4 टेबल स्पून उन्होंने चीनी कहा था, मैंने वो ऐड कर दी थी फाइनली। एंड देन मैंने ना ये केक जो था पड़ा हुआ था जो हमारे घर, ये भी मैंने इसके ना छोटे छोटे पीसेस किए थे। ये क्या था, छोटे छोटे पीसेस किए थे। मेरी हालत पर ना चाहिएगा, गर्मी बहुत थी किचन में, तो इस वजह से मेरी हालत ऐसी है। अच्छा खैर, मैंने पहले कस्टर्ड की लेयर लगाई थी, देन मैंने केक के छोटे छोटे पीसेस करके उनकी लेयर लगाई थी, देन यहाँ पे मैंने ना दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगाई थी एंड पे, और ना थोड़ा सा केक ना मैंने ना टॉपिंग के लिए बचा लिया था, जो एंड पे टॉपिंग पे नहीं यूज़ होता वो मैंने बचा लिया था, और फिर इसी तरह से जो है मैंने कस्टर्ड बना लिया था। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े का था, और मुझे जो है बहुत ही, मुझे वैसे भी मीठा बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे मुझे लगता है लाइफ का पहला मैंने कोई डिज़र्ट बनाया है, और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े का था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना लेयरिंग का काम शुरू हो गया है। मैंने ना केक के लिए लगा के तो ऊपर जो है ना कस्टर्ड की लेयर लगाती थी, और जो सॉस पैन है वो जला दिया था मैंने। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किचन में कोई काम करूँ और कोई गड़बड़ ना हो, पहले चीनी वाला बस मसला, देन मैंने सॉस पैन जो है वो भी जला दिया था, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा खैर, मैं सीख जाऊँगी साथ साथ। लेकिन मेरा ना एक मसला है कि जब भी मैं कुछ बना रही हूँ, डिज़र्ट बना रही हूँ कुछ भी, तो मैंने बहुत जल्दी काम कर रही होती, पता नहीं क्यों, लेकिन कर लेंगे कुछ ना कुछ, इसका भी सोल्यूशन मिल ही जाता है हर चीज़ का। अच्छा खैर, तो यहाँ पे जो है ना मैंने सेकंड लास्ट लेयर जो है वो लगाना शुरू कर दी थी, और ना मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे लेयरिंग के बारे में, और क्या होता है वो जेंट पे लगाते हैं, सॉरी मैं भूल गई क्या उसको बोलते हैं। अच्छा खैर, तो यहाँ पे जो है ना लेयरिंग का काम शुरू हो गया था अच्छी तरह से, जितना भी कस्टर्ड था ना सर निकाल के जो है मैंने लेयरिंग पे लगा दिया था। और मेरे पास ना एक और आइडिया भी आ रहा है, वो मैं किसी और दिन बनाऊंगी। ठीक है, और ना वो बहुत ही प्यारा आइडिया, लेकिन ना वो मैं थोड़ी सी देर बाद बनाऊंगी। देन यहाँ पे जो है मैंने मैंगोस के ना छोटे छोटे पीसेस करके वो भी ऊपर ऐड कर दिए थे। देन हमारे पास ना डेट्स पड़ी हुई थी, वो भी कर दी थी। वीडियो में नहीं ले सकते थे, है पिक्चर, खुदा हाफिज़।